वेलकम। तो गाइस आज मैंने सोचा ये एस्केलेटर्स अभी काम नहीं कर रहे, देख सकते हो कितनी खौफनाक बिल्डिंग लग रही है। गाइस अभी हम आए हैं जिम और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मॉल के अंदर हमारा जिम है। ये है मीना बाज़ार। अभी मैं शॉपिंग कर सकती थी वैसे, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, शर्म आ रही है, रहने देती हूँ। और देख सकते हो कितनी खौफनाक बिल्डिंग लग रही है, ऐसे लग रहा है कि किसी हॉन्टेड हाउस में आ गई हूँ मैं। और एकदम से अभी थर्ड फ्लोर पे जाना है तो हमारी जो पार्किंग वाली लिफ्ट है वो ख़राब है। ये एस्केलेटर्स अभी काम नहीं कर रहे सुबह सुबह, ये नीचे जाने वाले एस्केलेटर्स है। ये आदमी सुबह सुबह जिप लेके आता है मेरे को। मशरूम्स ले लिए थे, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और इस पे मैंने अनियन, जिंजर और हरी मिर्ची वगैरह डाल के इसको ऐसे चॉप कर लिया। और थोड़ा सा ये कोरिएंडर भी चॉप कर लिया। ये चीज़ स्लाइसेस हैं ये वाले जो मैं ना ऑमलेट के लिए यूज़ करूँगी, तो एक चीज़ ऑमलेट बनने वाला है बहुत अच्छा सा। तो गाइस मैंने ना यहाँ पर मशरूम्स को पहले, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ यार चीज़ ऑमलेट, मशरूम जो मैंने चॉप किए थे ना उनको बस मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया। लाइक और इसमें ना मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, बिकॉज ग्रीन चिली तो यार मैंने डाली हुई है, बट थोड़ा सा टेस्ट चिली फ्लेक्स हल्का स्पाइसी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने वही प्याज भी डाल दिया, प्याज, अदरक, हरी मिर्च। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ना, थोड़ा सा लाइट ब्राउन, मतलब ब्राउन नहीं होने देना, हमने इसको रॉ ही रखना है क्योंकि अनियन ऑमलेट में ज़्यादा पका हुआ अच्छा नहीं लगता, कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है मेरे को तो यार, जूसी जूसी सा ना। तो ऑलिव ऑयल में बना सकते हो आप, ये आपकी इच्छा है, बट मैंने इसमें आज घी डाला है थोड़ा सा, बिकॉज घी से टेस्टी लगता है मेरे को। और घी गुड फैट, हेल्दी फैट है, एक्सेस में खाना बुरा है, लिमिट में खाना अच्छा है। इसमें एग भी डाल दिया गाइस और ये बन रहा है। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा इसको पलटूंगी, फिर मैं चीज़ स्लाइसेस बता ही देती हूँ कि ओट्स मैं कैसे बनाती हूँ, प्रोटीन ओट्स। तो मैंने ये प्लेन वाले ओट्स ले लिए, वाइट वाले, और इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको माइक्रोवेव करना है, तो हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए। तो गाइज ये इस तरह से माइक्रोवेव हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, है ना। अब हमने इसमें प्रोटीन पाउडर लेना है, जो नॉर्मली वे प्रोटीन होता है, लाइक जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं उन लोगों को पता ही होगा प्रोटीन पाउडर क्या है। तो एक स्कूप मैंने डाल दिया इसमें प्रोटीन पाउडर, देन मिक्स इट वेल, अच्छे से इसको ओट्स के साथ हमने मिक्स कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है गाइज, बट हेल्दी है बहुत। मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, बट मैं अभी तो हबी का लंच पैक कर रही थी तो इसलिए बताती हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, गाइस मिक्स हो गया अच्छी तरह से प्रोटीन पाउडर। इसके बाद मैंने लेना है ये पीनट बटर,
एक स्पून इसका ले लिया और हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। पीनट बटर डालने के बाद, वो मिक्स करने के बाद, मैंने इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं, बनाना डाल दिया। अब अपनी चॉइस का जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है या सीजनल फ्रूट होते हैं गाइस, वो डाल सकते हो, ग्रेप्स भी डाल सकते हो। अभी हस्बैंड को खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मीठा बहुत होता है ग्रेप्स में, सो मैंने आज डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से आमंड्स, तो ये प्रोटीन ओट्स बन जाते हैं गाइस। आमंड्स के बाद इसमें थोड़ा सा आप ये वॉलनट डाल दो, बट हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे है ना गाइस। और उसके बाद रेजिन्स डाल दिए, थोड़े से ये मिक्स वाले जो सीड्स होते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए और खाने के लिए, दोनों के लिए डाल दिए। तो देखने में कैसा लग रहा है? तो गाइज़ ये देखने में जितना अच्छा है ना, ये उतना ही पावर पैक और हेल्दी है, पता है आपको। तो गाइज आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है चीज़ ऑमलेट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम ठीक। कल दिवाली थी तो सॉरी दिवाली यार, मुझे हर चीज़ में दिवाली क्यों दिखती है, बिकॉज आई लव दिवाली फेस्टिवल है ना, तो मुझे लग रहा था कि दिवाली थी, दिवाली नहीं थी, कल थी होली। तो जैसे कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है होली, चाइल्डहुड में तो बहुत पसंद थी, बहुत मना ली है ना, और अब यार वो खिच पिच होता नहीं है। लाइक जैसे कलर लगाओ, पानी डालो, फिर सबसे बड़ी बात होती है नहाने की यार, टेंशन की, बालों में जो कलर लग जाता है वो निकालना दिक्कत वाली बात है। तो दिल ही नहीं करता कि कलर लगाओ, तो मैंने तो कोई कलर वलर नहीं लगाया भाई, ऐसे ही बस थोड़ा सा घर में बैठे थे, रिलैक्स किया अपना। अस्मायरा ने तो फुल इन्जॉय किया नीचे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके, उसने तो पूरी होली मनाई है। और उसके बाद क्या हुआ कि होली वोली मनाने के बाद बच्चे को हो गया फीवर, कुछ इतनी ज़्यादा होली मना ली थी कि फ़ीवर हो गया था, तो मुझे सुबह सुबह आज जाना पड़ा जिम से। आते ही मैं 9 बजे चली गई थी उसकी मेडिसिन लेने के लिए, बिकॉज कल है उसका एग्ज़ाम, सो मुझे उसको करना था प्रॉपर ठीक, सो मैं लेके आ गई हूँ उसकी मेडिसिन। सो एक डोज खा ली है, अब उसके बाद रेस्ट करवाया और अब उठ गया है बच्चा, तो अभी अपनी वो स्टडी वगैरह करेगी, ठीक है, कुछ खिला पिला लूँगी पहले, उसके बाद वो अपना पढ़ेगी और मुझे जो काम है वो मैंने करने हैं। बिकॉज अभी क्या था कि सुबह गई थी जिम, जिम से गई केमिस्ट की शॉप पे, उसके बाद हस्बैंड गए ऑफिस और मेरे काम शुरू हो गए दिन के। और अभी अभी जस्ट सारे घर की डस्टिंग हुई है, मेड आके काम, तो आप देख सकते हो घर की होगी है अच्छी तरह से सफाई। न्यू मेड रख लिया है गाइस, क्योंकि पैसे ही देने हैं और हमें काम चाहिए, बहसबाजी मुझसे होती नहीं है, सो मैंने न्यू मेड रख लिया। अब देखो कब तक, बिकॉज नेक्स्ट मंथ उसको हॉलीडेज़ में जाना है, तो मुझे कोई परमानेंट रखने का सोच रही हूँ। यहाँ पे ये दो बच्चे पूरी मस्ती मार रहे हैं, इनका खाना पीना हो चुका है। हेलो हेलो बोल दो सबको, हेलो, ये देखो गाइस हेलो बोल रही है बेबी। बेबो सुनो, लिसन, घर की हो चुकी है सफाई, अगर तुम दोनों ने गंद डाला ना फिर देखना, बट गाइस इनको कोई मना नहीं कर सकता, बिकॉज भाई इनका घर है तो ये तो मस्ती मारेंगे ही मारेंगे, है ना। बट ज़्यादा ओवर हो जाता है फिर तो मैं इनको मना भी कर देती हूँ, फिर शांति से बैठ जाते हैं, बट अभी इनका प्ले टाइम है तो मैं इनको बिल्कुल मना नहीं करूँगी। तो अभी बस खेल रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, फाइटिंग नहीं करनी, ओके, देखो मैं छू, फाइटिंग, नो फाइटिंग, नो फाइटिंग, प्यार से प्ले करो। और देखो मम्मा ने सारी सफाई कर दी है। तो गाइस अब बस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ना कुछ वेजीज वगैरह भी लेके आ गई थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो फिनिश हो गए हुए थे, तो वीक में एक बार तो लाने ही पड़ते हैं, तो मैं सोच रही थी इनको सबको पहले मैं फ्रिज में लगा लेती हूँ। तो गाइस वेजिटेबल पहले से ब्रोकली पड़ी हुई थी, इसको साइड पे कर देती हूँ, जुकिनी भी पड़ी है, कैरेट्स भी पड़ी हैं, ये सॉटे के काम आती हैं, तो मैंने सॉटे वेजिटेबल्स ज़्यादा ली हैं। लाइक मशरूम को भी आप सॉटे करके बना सकते हो या नॉर्मल वेजिटेबल भी बना सकते हो। और फिर मैंने क्या किया कि बस थोड़ी सी ना, काफ़ी दिन से मैंने फूल गोभी नहीं खा रही थी, बिकॉज पता नहीं यार बीच में जो ज़्यादा चलती है तब भी मैं खानी बंद कर देती हूँ, कीड़े वीड़ों का डर लगता है, अभी तो फ्रेश है। और ये मैंने यहाँ पे और ब्रोकली ले ली है, उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स वगैरह ले लिए थे। अब मैंने इसमें थोड़ी सी ये कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम भी ले ली थी, और साथ में ही मैंने इनको ना मैं ऊपर रखती हूँ, मैंने ये भी ले लिया था थोड़ा सैलड के लिए, बिकॉज़ अब
मैं ना एक बार में ही सारी सब्ज़ियाँ मतलब थोड़ी थोड़ी जो मुझे यूज़ करनी होती है, टमाटोज़ ले लिए थे और बस इनको मैं ऊपर ही लगा देती हूँ क्योंकि फटाफट से सैलड कट करना होता है तो सब्ज़ियाँ सारी नीचे चली जाती हैं। एक्चुअली स्पेस कम पड़ रहा है, मुझे लगता है मेरे को फ्रिज चेंज करना पड़ेगा गाइस। और साथ में मैंने यहाँ पे इसमें तो सारा लेमन लेमन है तो मैं इनको ऐसे करती हूँ, लेमन को मैं ना खाली कर लेती हूँ और चिल्लीज़ को, तो ये ऊपर वाले पोर्शन में ही रहेगा गाइस। बिकॉज़ क्या है कि दिखती रहेंगी सब्ज़ियाँ तो जल्दी, नहीं तो फिर ऐसे नीचे नीचे छुप जाती है ना तो पता ही नहीं चलता कि क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि हम लोगों का तो यार रोज़ ये टेंशन रहती है, सब कुछ पड़ा होता है कभी फ्रिज में मतलब सारी चीज़ें, फिर भी बंदे को टेंशन रहती है यार क्या बना। और मैंने बहुत सारा कोरिएंडर ले लिया क्योंकि हर चीज़ में अच्छा लगता है ना गाइस, इसको मैं ऐसा करती हूँ। साथ में मैंने यहाँ बनानास वगैरह ले लिए थे, ये जो बाहर रखने वाला सामान है तो इनको मैं लेके चलती हूँ किचन में। और फ़िलहाल तो मैं क्योंकि फ्रिज में तो बनाना रखते नहीं है तो मैं यहाँ रख देती हूँ। और मैंने ले ली थी ये गार्लिक, बिकॉज वैसे तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर लेती हूँ गाइस, बट क्या होता है कि ये वाली गार्लिक चॉप करके ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आज मैंने ना ये छोलिया लिया है, ग्रीन कलर का चने के जैसा होता है गाइस, मैं कम ही बनाती हूँ बट एक बार मैंने पहले भी बनाया था तो फ्रेश होता है एकदम, तो लेकिन ये ना ग्रेवी वाला बनाऊंगी मैं आज, ग्रीन ग्रीन आज ऐसे लगती है सब्ज़ी। और धनिया मैं यहाँ रख देती हूँ, बाद में ठीक कर लूँगी इसको। और ये बाकी का सामान फिर अभी अंदर लेके चलते हैं किचन में, फ्रिज को करते हैं बंद। और यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था, आलू ले लिए थे, सब कुछ अलग अलग रखना पड़ता है। कल बलून लिया था, हम मार्केट गए हुए थे तो इसमें ना लाइट भी जलती है। और ये मैक्स्यू ना डर रहा था कल का, ये डर रहा था इस बलून से, तो मैंने सोचा था शैमू को दूंगी तो शैमू के लिए लेके आई थी, बट मैक्स्यू को दे देते हैं अब, है ना। डब्बू को बलून बहुत पसंद है, डब्बू डब्बू चाची ले लो मैक्स्यू। कल तो डर रहा था शैमू, ये अब नहीं डर रहा ना, मैक्स्यू मैक्स्यू इसको पसंद नहीं है वैसे, इसको बॉल बहुत पसंद है बट बलून नहीं चाहिए। आपको आपको चाहिए बलून, ले लो गाइस। ज़्यादा पसंद नहीं आया इसको, इसमें लाइट्स भी हैं और यहाँ से ना ये ऑन ऑफ हो जाता है, अच्छा है। तो गाइस छोटी छोटी भूख लग गई थी और कल मैं बेकरी शॉप से ना ये मेरे फेवरेट चिप्स हैं बनाना चिप्स, किस किस को अच्छे लगते हैं बनाना चिप्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वाले बनाना चिप्स मैं लेके आई थी बेकरी शॉप से और ये इतने टेस्टी और क्रंची होते हैं ना गाइस, तो मैं सोच रही थी कि बैठ के खा लेती हूँ बिकॉज छोटी छोटी भूख लगी थी यार गाइस। तो गाइस सारे काम जल्दी जल्दी करो ना तो थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, बिकॉज क्या था कि सुबह अर्ली कर लिया था ब्रेकफास्ट मैंने और अब लंच करने का तो बिल्कुल कोई ऐसा मूड नहीं है बिकॉज अभी काम भी पड़े हुए हैं मेरे को और अभी 1:45 हो गए हैं। बट मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने आपको बताया ये बनाना चिप्स मेरे को पता है कहाँ से हैबिट पड़ी थी ये वाली बनाना चिप्स खाने की, मैं हॉस्टल में होती थी ठीक है, जम्मू में रहती थी तब मैं और हॉस्टल में होती थी और मेरी एक फ्रेंड थी वो क्रिश्चियन थी और वो ना उस वो वैसे तो मतलब वो कहाँ से थे बेसिकली यार, वो मतलब जैसे साउथ वगैरह के लोग ज़्यादा खाते हैं ना तो वो लेके आती थी मतलब जैसे कि बनाना चिप्स अपने घर से और उसने हमें हैबिट डाल दी थी, चाय मैं पीती नहीं थी बट वो लोग चाय पीते थे और उन्होंने भी मुझे चाय की हैबिट डाल दी थी। तो हॉस्टल में रहो तो सबके साथ इक्वल मतलब आपको पता ही है मिलजुल के रहना होता है और वो मेरे अच्छे। मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाना चिप्स खाई थी बिकॉज़ हमारी तरफ पहाड़ों में कहाँ बनाना चिप्स वगैरह ये नहीं बनते, साउथ का ये ज़्यादा फेमस होता है साउथ में ये वाला, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी। गिर गई तो इसलिए तब से हैबिट पड़ी हुई है तो मैं खाती हूँ बिकॉज टेस्टी लगती है मेरे को।
अबे यार बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, ये तो देखो यहाँ पे तो मज़े हैं, खा पी के हुड़दंग मचा के खेल के पूरा मतलब पूरे घर की तहस नहस करने के बाद दोनों बच्चे छो गए, मेरे दोनों बच्चे शांति से छो गए। अब ये शांत, अब इनको एनर्जी चाहिए, अभी अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, और जैसे ही उठेंगे फिर इनको भूख लग जाएगी, ये खाना खाएंगे, उसके बाद ये मस्ती करेंगे, बस इनका यही चलता रहे। तो गाइज़ आज मैंने सोचा कि चलो डिनर की तैयारी भी कर लो, तो मैंने ना ये ग्रीन वाले चने जैसे होते हैं तो इसको छोलिया बोलते हैं यहाँ पे, तो मैं ये बना रही हूँ आज आलू के साथ, इसके साथ चपाती बनाऊँगी। तो गाइस मैक्सू इतना अच्छा प्यारा बच्चा है ना मेरा डब्बू भी, जब भी मैं पूजा करती हूँ ना तो जैसे कोई भजन वगैरह लगे होते हैं ना तो यार ये बड़ी शांति से ऐसे बैठ जाते हैं टेंपल के पास आके, और ना मेरे को ऐसे फील होता है जैसे पता नहीं इनको सारा कुछ समझ आ रहा होता है, इतनी शांति से, मतलब अगर पूजा करने लगो तो ऐसे नहीं है कोई हुड़दंग मचाएंगे या कुछ करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे और दूर से देखते रहेंगे। और कुक्कू था ना मेरा, वो भी सेम ऐसा ही था, जब भी भजन लगते थे ना उसको नींद आ जाती थी और उसकी शक्ल देख के लगता था उसको सब समझ आ रहा है। तो गाइस मार्केट चली गई थी, जैसे कि छोटा छोटा सामान लेना था, तो इस तरह से मैं कुछ ग्रॉसरीज वॉसरीज लेके आ गई थी, बड़ा काम होता है, ज़्यादा ग्रॉसरीज तो नहीं ले आई, बस वो छोटा मोटा सामान जैसे यार घर का ख़त्म हो जाता है ना तो फिर लाना ही पड़ता है। मेरा तो यार मैं पूजा करती थी, मेरा तो धूप अगरबत्ती वगैरह ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या है, इतनी पूजा भी नहीं करती मैं तो मैंने सोचा कि कुछ छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख दूँ, बिकॉज ये सब ओहो स्वीट लस्सी ले ली, मैं तो पीती नहीं स्वीट लस्सी, मेरे को तो दूसरी अच्छी लगती है, और ये कुछ जूसेस वगैरह लेके आ गए थे, ये सब फ्रिज में लगाना है यार गाइस। और ये विनेगर मुझे लग रहा था मैं ना अभी विंटर्स में समर्स में ना वो बनाऊँगी यार, ये वाला विनेगर अनियन के लिए यूज़ करती हूँ मैं, जैसे अनियन सैलड बनता है रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना, वैसे ही मैं ही यूज़ करती हूँ। ये सारा एरिया मेरे हमारे सप्लीमेंट्स का है, हम सारे सप्लीमेंट्स वगैरह रखते हैं। और हनी लेके आई हूँ इस बार मैं, कौन सा डाबर का मैंने लिया नहीं इस बार, बिकॉज़ यार वो जम जाता है, ऐसे लगता है शुगर मिक्स है, ये ट्राई करके देखती हूँ। सफोला हनी हर जगह लिखा होता है 100% प्योर नो शुगर, देखते हैं कैसा होता है। और बस कुछ हेल्दी चीज़ें ही ली जाती है, पोहा लेके आ गई थी, पोहा भी ज़्यादा बन ही जाता है घर में, कितना कबाड़ा पड़ा हुआ है गाइस यहाँ, सॉरी बट अब कड़ तो मैं घर पे ही जमाया करूँगी, ये वाली पीनट्स ऐसे नहीं खाते हम, बट पोहा वोहा के काम आ जाती हैं। इसका ना मेरे को इसकी ना सूप बहुत अच्छा लगता है, लाइक टमाटो, मतलब इसको बॉईल कर लो और तड़का लगा लो, ऐसी टमाटो सूप टाइप लगता है, लाइक मैं इसको राइस के साथ भी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है यार ये वाली दाल, बहुत कम लोगों को पसंद होती है। और ये घी भी तो ले आई थी, इधर रख देती हूँ अपना सारा आराम से। तो चलो गाइज ये इतना सारा खिलारा पड़ गया है, अब इनको सारा मैं समेट लेती हूँ। हेलो, ये बच्चा आइसक्रीम खा के हटा है अभी, दूसरा वाला क्या कर रहा है। हेलो मिस इंडिया, आइसक्रीम खा ली आपने, समू आपने खिला दी दोनों को, डब्बू ने भी खा ली, अब आइसक्रीम वाइसक्रीम चली गई है टमी में, ठीक है, और उसके बाद अब इनकी मस्ती हो गई है शुरू। ये देखो हेलो बेटा, चलो मारो मस्ती बेटा, मारो मस्ती, मैं तो काम करने लगी हूँ। तो गाइस जब मुझे समझ नहीं आता ना क्या खाना है तो मैं सीधे पुलाव की तरफ चली जाती हूँ, मटर पुलाव खा लेती हूँ या आलू वाली पुलाव खा लेती हूँ, है ना, ब्रिंज जिसको बोलते हैं। तो आज मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने वाली थी, यहाँ पे जो ये प्याज देख रहे हो आप, इसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था, तो थोड़ा सा मेरे पास बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था, वैसे मेरे को ब्रिंजी बनानी है, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में ब्रिंजी बोलते हैं। तड़का वड़का मैंने सब लगा दिया है, आलू वाले बना रही हूँ, बिकॉज आलू वाली ब्रिंज ना देसी घी का तड़का लगा के इतनी टेस्टी लगती है ना मेरे को गाइस, बस दो विसल लगाती हूँ मैं, और ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, मतलब स्टीम से कैमरा आगे वो हो गया था, अदरवाइज़ इतनी शाइनी सी बनी थी ना, इतनी ग्लॉसी, मतलब लाइक इसमें मैंने देसी घी का तड़का लगाया था। और अभी बस मैंने मेरे को तो मतलब मटर वाला पुलाव भी अच्छा लगता है, और साथ में ये इसके साथ अचार पापड़ रायता कुछ भी आप
सर्व कर सकते हो, है ना। और मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया था, तो टेस्ट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, बट बिरयानी का टेस्ट आ रहा था। और उसके बाद इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने वही, जो देसी घी के बगैर तो मेरे बिल्कुल ही मतलब कोई भी चीज़ है ना अधूरी है, तो मैं बस देसी घी तो खाती खाती हूँ गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ये प्याज जैसे मैंने पहले से भून लिया था, और कोरिएंडर वगैरह डाल के यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस बस इसी तरह से कुछ आज का ब्लॉग था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।